नमस्कार दोस्तों, नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। कंक्रीट पोर करने के लिए या फिर कंक्रीट प्लेस करने के लिए अलग अलग टाइप के मशीनरी और इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है, जैसे क्रेन हो गया, लिफ्ट है, इसके बाद स्टैटिक पंप है, और इसके बाद और एक मशीनरी है वो बूम प्लेसर या फिर बूम पंप। अभी बूम प्लेसर का इस्तेमाल कैसे करते हैं इसका हम आज प्रैक्टिकल वीडियो में देखेंगे। बूम प्लेसर का इस्तेमाल मैक्सिमम ज़्यादातर हाइट पे जहाँ कंक्रीट करना है, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या फिर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, जैसे ब्रिज है, गर्डर है, जैसे हाइट पे जहाँ कंक्रीटिंग इजी होता है वहाँ बूम प्लेसर का इस्तेमाल करते हैं। बूम प्लेसर एक व्हीकल के ऊपर फिक्स किया हुआ पंप है, उसका लेंथ रेंज अलग अलग होता है और वो पर आवर जैसे रिक्वायरमेंट आपको उसके हिसाब से वो पोर कर सकता है। जैसे मास कंक्रीटिंग में भी इस्तेमाल होता है या फिर हाइट वाले कंक्रीटिंग में भी इस्तेमाल होता है। और इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये पंप मूवेबल मतलब व्हीकल के ऊपर है, तो कहीं भी आप इसको लेके जा सकते हैं, जहाँ कंक्रीटिंग वहाँ खड़ा करके उसको कंक्रीट कर सकते हैं। और जल्दी अगर फास्ट कंक्रीट करना है तो बूम प्लेसर सबसे अच्छा और एडवांटेजेस है, तो उसका डिटेल हम प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं बूम प्लेसर, ये प्रॉपरली सेट किया हुआ है। ये बूम प्लेसर सेट करते समय उसके जो चारों स्टैंड हैं वो स्टैंड के लिए वहाँ जगह को प्रॉपर लेवल करके ऊपर उसके ऊपर स्टैंड फिक्स करना रहता है। इधर आप ये देख सकते हैं ये पूरा सेट करके बूम प्लेसर से कंक्रीटिंग शुरू है। ये एक बॉक्स गर्डर का साइड का कंक्रीटिंग है, बॉक्स गर्डर का बॉटम स्लैब का कंक्रीटिंग शुरू है। इसमें देख सकते हैं कि आप ये सैनी कंपनी का बूम प्लेसर है, इसका बूम लेंथ है 37 मीटर। इसमें आप देख सकते हैं बूम प्लेसर का जो बकेट बोल सकते हैं उसमें आप पूरा कंक्रीटिंग पोर करते हैं, बाद में उससे पाइपलाइन के थ्रू ऊपर में प्लेस करते हैं। और ये बूम प्लेसर ये पूरा रिमोट कंट्रोल से ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होता है, ये रिमोट कंट्रोल वायरलेस है। इसमें आप स्टैंड देख सकते हैं, स्टैंड फिक्सिंग करने का, उसका लेवल वगैरह चेक करने का वो सब है इसमें। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कंपनी का नाम वगैरह। ये सैनी का बूम प्लेसर है और ये चारों स्टैंड प्रॉपर लेवल करने के बाद, इधर आप देख सकते हैं ये पेडस्टल इस्तेमाल किया गया है, वो अनइवन लैंड है या फिर ज़मीन है, इसलिए ये कंक्रीट का पेडस्टल करके उसके ऊपर ये स्टैंड रखा गया है, फिक्स किया गया है। ये हाइट में कंक्रीट होने की वजह से बूम प्लेसर का एक एडवांटेजेस होता है, ताकि वो जगह पे कंक्रीट प्लेस कर सकता है और इसमें मैन पावर भी कम लगता है और स्टैटिक पंप की जैसा वो लंबी पाइपलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इधर आप देख सकते हैं और ये साइड के ये दो पैर जैसे फिक्स किया है। और ये फिक्स करने के बाद उसको लेवल चेक करके उसके हिसाब से इसको अरेंज करते हैं। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए, स्केच दिए हुए, कैसे इरेक्ट करना है, क्या उसको यूज़ करना है, वार्निंग क्या है, वो सब। ये RMC का कंक्रीट है, रेडीमिक्स कंक्रीट आके वो बूम प्लेसर के बकेट में कंक्रीट डालते हैं, फिर वहाँ से ये रिमोट के थ्रू ये पूरा पाइपलाइन से जगह पे प्लेस करते हैं। ये जो पंप है वो व्हीकल के ऊपर फिक्स किया गया पंप है, इसलिए इजीली मूवेबल है। ये देख सकते हैं वो ऑपरेटर, वो बूम प्लेसर का ऑपरेटर रिमोट से ऑपरेट कर रहा है। ये ऊपर में देख सकते हैं, अभी हम ऊपर देखेंगे, ये गर्डर है, गर्डर जहाँ ऑलरेडी कंक्रीट हुआ है उसका क्यूरिंग किया है और अभी यहाँ कंक्रीटिंग शुरू है। इधर आप देख सकते हैं ये जो है वो काला वाला ये रबर पाइप रहता है, उसका डायमीटर 5 इंच या फिर 125 mm डाया, डिलीवरी पाइप का डायमीटर 125 mm डाया रहता है। और ये बूम प्लेसर से कंक्रीट जैसे रिक्वायर हुआ उसके हिसाब से हम मंगा सकते हैं।
जब एट अ टाइम अगर कंक्रीट ज़्यादा हो रहा है तो हम रोक भी सकते हैं उसको। तो ये बूम प्लेसर का मेन एडवांटेज ये है कि ये जैसे कंक्रीट हम लोगों को साइट पे रिक्वायरमेंट उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे अगर मास कंक्रीट है तो कंटिन्यूस उसको कर सकते हैं, पर आवर 30-40 क्यूबिक मीटर भी कंक्रीट पोर हो सकता है। अगर यहाँ रिक्वायरमेंट उतना ज़रूरत नहीं है, तो धीरे धीरे डालना है, तो वहाँ वैसे भी हम कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं बॉक्स गर्डर का बॉटम स्लैब का कंक्रीट चल रहा है बूम प्लेसर से। ये साइड का वेब देख सकते हैं। इधर ये साइड के वॉल में भी कंक्रीट डाल रहे हैं। ये जो काला पाइप या फिर रबर पाइप रहता है, ये फ्लेक्सिबल या फिर मूवेबल रहता है। आपको जहाँ रिक्वायर है उसके हिसाब से पाइप हम उसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर में तो वो पूरा एमएस का पाइप फिक्स किया रहता है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा रेड पाइप है, ये पूरा फिक्स किया हुआ है। अरे बूम प्लेसर से कंक्रीट करने की वजह से मैन पावर का भी सेविंग होता है। अदरवाइज स्टैटिक पंप से कंक्रीट करेंगे तो ज़्यादा मैन पावर लगता है, ऊपर से वो स्टैटिक पंप जोड़ना, वो खोलना, वो थोड़ा टाइम टेकिंग जॉब है। बूम प्लेसर में ऐसा नहीं है। हाइट के लिए ये अब जैसे इधर गर्डर का स्लैब के लिए कर रहे हैं, वैसे हाई राइज बिल्डिंग का स्लैब के लिए भी बूम प्लेसर का इस्तेमाल करते हैं। और एक कंस्ट्रक्शन मशीनरी जैसे मॉडर्न इक्विपमेंट में बूम प्लेसर आता है कंक्रीट प्लेसिंग करने के लिए, जैसे क्रेन, लिफ्ट, उसके बाद में स्टैटिक पंप, ये सब पुराना ये हो गया। अभी बूम प्लेसर नया इक्विपमेंट है। और हायर बिल्डिंग में भी बहुत जगह देखा, रेसिडेंशियल एरिया, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में भी बूम प्लेसर का इस्तेमाल होता है। इवन इंडस्ट्रियल में, मास कंक्रीट में भी बूम प्लेसर का इस्तेमाल करते हैं। इसको बूम प्रेशर पंप भी बोलते हैं, बूम प्लेसर भी बोलते हैं, और ये जो पाइप रहता है काला वाला उसको एलिफेंट पाइप भी बोलते हैं। ये कंक्रीटिंग करने के बाद पीछे से ये सब वर्कर्स फिनिशिंग कर रहे हैं। ये बूम प्लेसर से कंक्रीट करने के बाद ही वाइब्रेटर से वाइब्रेशन भी कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं, बूम प्लेसर के जो कंक्रीट पोर करते हैं उसमें जो स्ट्रोक्स रहते हैं, वो स्ट्रोक्स वो ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड रहता है। ऑपरेटर उसको कंट्रोल करता है कितना स्ट्रोक्स देना है, कितना नहीं देना है, उसके हिसाब से। और ये बूम प्लेसर में कंक्रीट शुरू करने से पहले एक बार उसमें स्लरी पास की जाती है, और उसके बाद में कंक्रीट शुरू होता है। और ये बूम प्लेसर कंक्रीट करते समय ये प्रिकॉशन जरूर लेना है कि ऊपर में एचटी वायर अगर कुछ है तो उसको टच ना हो, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस है। तो उस हिसाब से ही बूम प्लेसर को एडजस्ट करना पड़ता है, फिर फिक्स करना पड़ता है। इधर आप देख सकते हैं साइड में आगे के गर्डर का शटरिंग का पूरा आईएस बीम भी वो सब बिछाया हुआ है। और ये गर्डर का साइड का स्ट्रेसिंग का केबल्स है, केबल्स लगा के रखा है। ये पोस्ट टेंशन गर्डर है,
और ये पेडस्टल है, इधर देख सकते हैं। और ये पेडस्टल में बेयरिंग के लिए पॉकेट छोड़ा हुआ है, या इसमें डक देख सकते हैं, ये होल ये बेयरिंग के लिए रखा हुए हैं। इसमें पीटीएफई बेयरिंग, पॉली टेट्राफ्यूरोइथाइलिन बेयरिंग रहेगा। और ये टावर्स या फिर टावर शटरिंग, गर्डर के नीचे का पूरा शटरिंग आप देख सकते हैं, ये सब टावर्स खड़े किए गए हैं। ये देखिए आप गर्डर का बॉटम का शटरिंग कैसे किया है, ये शटरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मजबूत होना चाहिए। पूरा रिवेट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है, ISMB चैनल्स एंगल्स ये सब इस्तेमाल किया गया है, पूरा फैब्रिकेशन करके किया गया है। इसको आप हेवी शटरिंग भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा बूम प्लेसर का कंक्रीट करने के लिए इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि गर्डर का कंक्रीट करते समय बूम प्लेसर का इस्तेमाल किया गया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।